सूबाई वज़ीर इत्तला'आत पंजाब असमा बुखारी कहती हैं सियासी मुखालफीन रमज़ान निगबान पैकेज से काफ़ी परेशान हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी कौम को रहमत और बरकतों का महीना मुबारक हो, रमज़ान निगबान पैकेज आवाम को रिलीफ फराहम करेगा, हुकूमत ने अपने वसाइल से कम आमदनी वालों के लिए भरपूर इकदाम शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर फेक प्रोपेगेंडा, फेक खबरें चल रही हैं और सियासी मुखालफीन जो है वो बहुत तकलीफ़ का शिकार है इस रमज़ान पैकेज के हवाले से, बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको और बजा तौर पर शायद दुरुस्त भी हैं क्योंकि उन्होंने अपने दौर में ना कभी कोई काम किया था, ना कभी आम आदमी को रिलीफ देने के बारे में उनके दिमाग में कभी ऐसा कोई फलाही प्रोग्राम आया जिसके ज़रिए 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को उनकी दहलीज़ के ऊपर जो रमज़ान पैकेज है वो दिया जाए। कोई गलती है, कहीं कोई कोताही है वो ज़रूर आप बताएं, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेक प्रोपेगेंडा नहीं, सोशल मीडिया पे झूठी खबरें नहीं। स्पिरिट ये है इस प्रोग्राम का कि आपका हक, आपकी दहलीज़ पर हर आम आदमी को किसी कतार के बगैर, किसी इंतज़ार के बगैर उनको उनका हक जो है वो दहलीज़ पे दिया जाए। एक नया सर्वे पंजाब के लेवल के ऊपर 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है जिसके अंदर खुद ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर हर एक मुस्तहकीन की निशानदेही की जाएगी, उसका रिकॉर्ड मिलेगा और उस रिकॉर्ड के मुताबिक अब आइंदा से पंजाब हुकूमत जो भी कोई सब्सिडी देगी, जो भी कोई पैकेज, कोई प्रोग्राम देगी वो उस जो है वो डाटा के थ्रू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।